हे गाइस, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो स्टार्ट करते हैं। दी ओनली हॉर्मोन प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन बॉडी व्हेन ए वुमन इज प्रेग्नेंट, ईस्ट्रोजन, एससीजी, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, प्रोजेस्टेरॉन, एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन। The only hormone produced in the human body when a woman is pregnant. तो ये होता है HCG. Option B will be your correct answer. Human chorionic gonadotropin. Which is the most likely positive sign of pregnancy when detected in urine? तो ये होता है HCG. Human chorionic gonadotropin. What is estrogen? Female sex hormone होता है. कहाँ से secrete होता है? Ovaries से secrete होता है. Steroidal hormone होता है. किस लिए responsible होता है? तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर डेवलपिंग फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, देन इट ऑल्सो हेल्प्स इन रेगुलेटिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, एंड इसे यूज करते हैं एज हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी इन द ट्रीटमेंट ऑफ मेनोपॉज। मेनोपॉज होता है व्हेन ओवरी स्टॉप प्रोड्यूसिंग इस्ट्रोजेन। ये प्रोजेस्टेरॉन भी होता है फीमेल सेक्स हॉर्मोन, इट इज सिक्रिटेड बाय कॉर्पस लूटियम ऑफ द ओवरीज। ये सप्रेस करता है ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, कहाँ से सिक्रेट होता है? एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। क्या होता है इसका फंक्शन? तो ये हेल्प करता है इन गैमेट फॉर्मेशन, रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलर विजन इज बाय रॉड, कोन्स, ओसिपिटल कॉर्टेक्स, बायपोलर सेल्स। तो कोन्स एंड रॉड सेल्स प्रेजेंट होती है आईज में, एंड इनमें से कौन सा आर कंसर्न विथ कलर विजन? ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। एंड रॉड सेल्स आर कंसर्न विथ ब्लैक एंड व्हाइट विजन। फोटो रिसेप्टर सेल्स ऑफ रेटिना आर कोन्स एंड रॉड्स, ठीक है। रेटिना इज कंपोज ऑफ रॉड्स, कोन्स एंड नर्व सेल्स। अभी आप मुझे बताएंगे फील्ड ऑफ विजन इज मेजर्ड बाय, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, फील्ड ऑफ विजन इज मेजर्ड बाय, तो ये होता है पेरीमेट्री। फील्ड ऑफ विजन इज मेजर्ड बाय पेरीमेट्री। देन विच क्रैनियल नर्व कनेक्टेड टू दी आई? तो ये होती है ऑप्टिक नर्व। सेकंड क्रैनियल नर्व होती है ऑप्टिक नर्व, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन। देन अभी आप मुझे बताएंगे द फ्रंट ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ द आई इज कॉल्ड, तो ये होता है कॉर्निया। एंड लाइट फर्स्ट हिट्स द कॉर्निया, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, लाइट फर्स्ट हिट्स द कॉर्निया। देन द आई इज कवर्ड विद द आउटर लेयर कॉल्ड, तो आउटर लेयर होता है स्क्लेरा। द व्हाइट पार्ट ऑफ द आई इज स्क्लेरा। देन दी इनर लाइनिंग ऑफ द ब्लैक ऑफ द आई बॉल इज नोन एज, ये होती है रेटिना। एंड द प्लेस ऑन द रेटिना वेयर द ऑप्टिक नर्व लीव्स द आई होता है ब्लाइंड स्पॉट, ये भी लास्ट ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है। द प्लेस ऑन द रेटिना वेयर द ऑप्टिक नर्व लीव्स द आई इज ब्लाइंड स्पॉट। देन वॉट इज ग्लूकोमा? तो इंक्रीज प्रेशर इन द आई इज ग्लूकोमा। एंड ग्लूकोमा इज एग्जामिन विथ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड टोनोमीटर। एंड द प्रेशर इन साइड द आई इज मेजर्ड बाय टोनोमेट्री। एंड फील्ड ऑफ विजन इज मेजर्ड बाय पेरीमेट्री, ठीक है। ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है अभी तक के आईज के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लैटरल हैमर शेप्ड बोन प्रेजेंट इन ईयर इज मैलियस, स्टेप्स, इनकस, नन। लैटरल हैमर शेप्ड बोन प्रेजेंट इन ईयर, तो ये होता है मैलियस। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ये मैलियस होता है मिडल ईयर बोन। अभी आप मुझे बताएंगे स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी, तो ये होता है स्टेप्स। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो ये भी होता है मिडल ईयर बोन। ये इनकस भी है मिडल ईयर बोन। मिडल ईयर कंसिस्ट ऑफ मैलियस, स्टेप्स, देन इनकस एंड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड एज ईयर ड्रम्स, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड ईयर ड्रम। देन ऑर्गन ऑफ कॉर्टी प्रेजेंट इन, तो ये होता है इंटरनल ईयर। ऑर्गन ऑफ कॉर्टी प्रेजेंट इन इंटरनल ईयर। एंड अभी आप मुझे बताएंगे नर्व ऑफ हियरिंग, कौन सी क्रैनियल नर्व रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर हियरिंग? तो ये होती है ऑडिटरी नर्व। 8th क्रैनियल नर्व होती है ऑडिटरी नर्व। इट इज ऑल्सो कॉल्ड वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व। वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व इज ऑडिटरी नर्व, 8th क्रैनियल नर्व। देन अभी आप मुझे बताएंगे द स्ट्रक्चर इन द ईयर दैट कंटेन्स रिसेप्टर सेल्स फॉर हियरिंग, तो ये होता है कॉक्लिया। कॉक्लिया होता है स्पाइरल शेप्ड कैविटी प्रेजेंट इन इनर ईयर, एंड इट कंटेन्स रिसेप्टर सेल्स फॉर हियरिंग, कॉक्लिया।
देन क्या आप में से कोई बता सकता है इन्फ्लेमेशन ऑफ द मिडल ईयर सेगमेंट इज कॉल्ड? तो ये होता है ओटिटिस मीडिया, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इन्फ्लेमेशन ऑफ द मिडल ईयर सेगमेंट इज ओटिटिस मीडिया। ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्रैनियल नर्व कनेक्टेड टू द ईयर इज वैगस नर्व, ऑप्टिक नर्व, ऑल्फैक्टरी नर्व, वेस्टिबुलो कॉकलियर नर्व। तो अभी हमने देखा था नर्व ऑफ हियरिंग होता है वेस्टिबुलो कॉकलियर नर्व, ऑडिटरी नर्व, एट क्रैनियल नर्व। ठीक है, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर हियरिंग। ये वैगस नर्व होती है 10th क्रैनियल नर्व, किस लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? डाइजेशन के लिए, देन इम्यून सिस्टम के लिए, हार्ट रेट के लिए। ठीक है, ऑप्टिक नर्व 2nd क्रैनियल नर्व, नर्व ऑफ विजन होती है ऑप्टिक नर्व, ऑल्फैक्टरी नर्व ऑफ स्मेल होती है ऑल्फैक्टरी नर्व, 1st क्रैनियल नर्व होती है ऑल्फैक्टरी नर्व। अभी आप मुझे बताएंगे क्रैनियल नर्व विच प्लेज ए रोल इन सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रैनियल नर्व प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड? तो ये होती है वैगस नर्व, ये रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द डाइजेशन, हार्ट रेट एंड इम्यून सिस्टम। ये टोटल 12 पेयर्स होते हैं क्रैनियल नर्व्स के। फर्स्ट होती है ऑल्फैक्टरी, सेकेंड ऑप्टिक, थर्ड होती है ऑक्यूलोमोटर, फोर्थ होती है ट्रॉक्लियर, फिफ्थ ट्राइजेमिनल, सिक्स एबेडसेंस, सेवेंथ होती है फेशियल, एट्थ होती है ऑडिटरी, देन आती है नाइन्थ ग्लॉसोफेरेंजियल, टेंथ होती है वैगस, देन स्पाइनल एसेसरी, एंड लास्ट में आती है 12th क्रैनियल नर्व हाइपोग्लॉसल। अभी क्या आप में से कोई बता सकता है इनमें से कौन सी होती है मिक्स्ड क्रैनियल नर्व्स? तो ये होती है फिफ्थ ट्राइजेमिनल, सेवेंथ फेशियल, नाइन्थ ग्लॉसोफेरेंजियल एंड टेंथ वैगस। ये होती है मिक्स क्रैनियल नर्व्स, फिफ्थ सेवेंथ नाइन्थ एंड टेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेल्स ऑफ द कार्डियक कंडक्शन सिस्टम हैव द एबिलिटी टू क्रिएट देयर ओन एक्शन पोटेंशियल, दिस इज नोन एज स्पॉन्टेनिटी, रिफ्लेक्सिविटी, मैकेनिसिटी, ऑटोमेटिसिटी। क्या बोलते हैं सेल्स ऑफ द कार्डियक कंडक्शन सिस्टम हैव द एबिलिटी टू क्रिएट देयर ओन एक्शन पोटेंशियल? तो इसे बोलते हैं ऑटोमेटिसिटी, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। देन अभी आप मुझे बताएंगे द नॉर्मल रिदमिकल इम्पल्स इज जनरेटेड फ्रॉम विच पॉइंट इन द कंडक्टिव सिस्टम ऑफ द हार्ट? तो ये होता है SA नोड, साइनो आर्ट्रियल नोड। ये होता है पेसमेकर ऑफ हार्ट, पेसमेकर ऑफ हार्ट इज साइनो आर्ट्रियल नोड, SA नोड। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो ये प्रेजेंट होता है राइट एट्रियम में। बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, SA नोड इज प्रेजेंट इन राइट एट्रियम, पेसमेकर ऑफ हार्ट इज SA नोड। देन कौन सी आर्टरी सप्लाई करती है ब्लड टू द हार्ट? तो ब्लड इज सप्लाई टू द हार्ट थ्रू करोनरी आर्टरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पैराथायरॉयड हार्मोन कंट्रोल्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम और कॉपर। पैराथायरॉयड हार्मोन कंट्रोल्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ, तो ये होता है कैल्शियम, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। कैल्शियम लेवल इन द ब्लड इज मेंटेन्ड बाय पैराथायरॉयड हार्मोन। ये कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम लेवल को मेंटेन करता है पैराथॉर्मोन, पैराथायरॉयड हार्मोन। कहाँ से सिक्रिट होता है ये? तो ये सिक्रिट होता है बाय पैराथायरॉयड ग्लैंड। कहाँ पे प्रेजेंट होती है पैराथायरॉयड ग्लैंड? तो ये प्रेजेंट होती है ऑन द पोस्टेरियर वॉल ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड इन द नेक। ठीक है, एंड चीफ सेल्स प्रोड्यूस पैराथायरॉयड हार्मोन। ठीक है, अभी आप मुझे बताएंगे नॉर्मल लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। नॉर्मल लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड, तो ये होता है 9 to 11 mg/100 ml। किस लिए रिक्वायरमेंट होती है कैल्शियम की? तो कैल्शियम इज रिक्वायर्ड फॉर मसल कॉन्ट्रेक्शन, देन बोन फॉर्मेशन, ब्लड क्लॉटिंग। कैल्शियम वर्क्स टुगेदर विथ विटामिन के एंड फाइब्रिनोजन इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस में कैल्शियम वर्क्स टुगेदर विथ विटामिन के एंड फाइब्रिनोजन। ठीक है, देन नॉर्मल पोटेशियम लेवल इन एडल्ट ब्लड, तो ये होती है 3.5 to 5 mEq/L। देन मेजर कैटायन इन इंट्रासेल्युलर फ्लूइड, तो ये भी होता है पोटेशियम। देन आयरन डेफिशिएंसी कॉजेस हाइपोक्रोमिक एनेमिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द हार्मोन इन्वॉल्व इन द सिक्रीशन एंड रेगुलेशन ऑफ मिल्क, TSH, FSH, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन। हार्मोन इन्वॉल्व इन द सिक्रीशन एंड रेगुलेशन ऑफ मिल्क, तो ये होता है प्रोलैक्टिन, ऑप्शन सी। कहाँ से सिक्रिट होता है प्रोलैक्टिन? तो इट इज सिक्रिटेड बाय एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, एंड ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर मिल्क प्रोडक्शन। ठीक है,
अभी आप मुझे बताएंगे मिल्क प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोलैक्टिन, तो विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लैक्टेशन ऑफ मिल्क, तो ये होता है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन होता है बर्थ हार्मोन, ऑक्सीटोसिन इज ऑल्सो नोन एज बर्थ हार्मोन एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लैक्टेशन ऑफ मिल्क। ये भी सीक्रेट होता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, ठीक है। देन TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो ये भी सीक्रेट होता है एंटीरियर पिट्यूटरी से एंड ये स्टिमुलेट करता है थायराइड ग्लैंड को, ठीक है। FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये भी सीक्रेट होता है एंटीरियर पिट्यूटरी से, ये हेल्प करता है रिप्रोडक्शन में एंड इट हेल्प्स इन गैमेट फॉर्मेशन। थायरोक्सिन कहाँ से सीक्रेट होता है, तो ये थायराइड ग्लैंड से सीक्रेट होता है। कहाँ पे प्रेजेंट होती है थायराइड ग्लैंड, तो ये लोकेटेड होती है इन थ्रोट। ये सीक्रेट करती है T4 जो होता है थायरोक्सिन, T3 ट्रायोडोथायरोनिन एंड कैल्सिटोनिन। देन अभी आप मुझे बताएंगे विच हार्मोन इंक्रीजेस द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट चैम्बर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा हार्मोन इंक्रीज कराता है फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट चैम्बर्स, तो ये भी होता है थायरोक्सिन T4। एंड हाइपोथायरॉयडिज्म से होता है चिल्ड्रन में क्रिटिनिज्म एंड एडल्ट्स में मिक्सोडेमा ड्यू टू डिक्रीज इन थायरॉयड हार्मोन। एंड हाइपरथायरॉयडिज्म से होता है ग्रेव्स डिसीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड सप्लाई टू टीथ इज बाय सेलियक आर्टरी, सबलिंगुअल आर्टरी, मैक्सिलरी आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी। ब्लड सप्लाई टू टीथ, तो टीथ को ब्लड सप्लाई किया जाता है बाय मैक्सिलरी आर्टरी, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। देन अभी आप मुझे बताएंगे विच आर्टरी सप्लाइज ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू स्टमक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। विच आर्टरी सप्लाइज ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू स्टमक, तो ये होती है सेलियक आर्टरी। एंड सेलियक आर्टरी अराइजेस फ्रॉम एब्डोमिनल एओटा, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है टू स्टमक, लीवर, स्प्लीन, देन पैनक्रियाज, डुओडेनम, ठीक है। देन विच आर्टरी सप्लाइज ब्लड टू द टंग, तो ये होती है सबलिंगुअल आर्टरी। देन कैरोटिड आर्टरी, तो इट सप्लाइज ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द ऑर्गन्स इन हेड एंड नेक, ये प्योर ब्लड सप्लाई करती है टू द ऑर्गन्स इन हेड एंड नेक, ठीक है। एंड अभी आप मुझे बताएंगे नैरोइंग ऑफ कैरोटिड आर्टरीज इज कॉल्ड, तो इसे बोलते हैं कैरोटिड आर्टरी स्टेनोसिस, नैरोइंग ऑफ कैरोटिड आर्टरीज, ठीक है। देन कौन सी आर्टरी सप्लाई करती है ब्लड टू द हार्ट, ब्लड सप्लाई टू द हार्ट थ्रू, तो ये होती है कोरोनरी आर्टरी। देन बिगेस्ट आर्टरी इन द बॉडी एओटा, देन सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड डज नॉट फ्लो इन द आर्टरीज, देन द ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर ऑफ ब्लड इन आर्टरीज, पल्स कैन बी डिटेक्टेड इजीली इन रेडियल आर्टरी, देन बल्जिंग ऑफ एन आर्टरी इज एन्यूरिज्म, एन्यूरिज्म इज बल्जिंग ऑफ एन आर्टरी, ठीक है। ये सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड ऑल द आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इम्प्योर ब्लड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीमेल सेक्स हॉर्मोन, सिल्वेस्टेरॉल, टेस्टोस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन, बेंजेस्ट्रॉल, फीमेल सेक्स हॉर्मोन, तो ये होता है ईस्ट्रोजन, ऑप्शन सी। ये होता है स्टेरॉयडल हॉर्मोन, कौन प्रोड्यूस करता है इसे, तो ओवरीज से सीक्रेट होता है ईस्ट्रोजन। ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर रेगुलेटिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, देन फॉर डेवलपिंग फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। इसे यूज करते हैं एज हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी इन द ट्रीटमेंट ऑफ मेनोपॉज। टेस्टोस्टेरॉन मेल सेक्स हार्मोन होता है, इट इज सीक्रेटेड बाय लेडिक सेल्स इन टेस्टिस। व्हाट इज स्टिल्बेस्टेरॉल, तो इट इज ऑल्सो नोन एज डाइथाइल स्टिल्बेस्टेरॉल, एन ओरली एक्टिव सिंथेटिक ईस्ट्रोजन होता है स्टिल्बेस्टेरॉल, डाइथाइल स्टिल्बेस्टेरॉल। किस लिए इसका यूज करते हैं, तो इट इज़ यूज एज ए पोस्ट कॉइटल इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव एंड इट इज़ ऑल्सो यूज टू ट्रीट फीमेल हाइपोगोनेडिज्म, ठीक है। इसे यूज करते हैं एज ए पोस्ट कॉइटल इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव एंड इट इज़ ऑल्सो यूज टू ट्रीट फीमेल हाइपोगोनेडिज्म। बेंजेस्ट्रॉल, तो ये होता है सिंथेटिक नॉन स्टेरॉयडल ईस्ट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द ब्लड प्रेशर डिक्रीजेस बिलो नॉर्मल रेंज यूरिन प्रोडक्शन increases, decreases, remains the same, none of the above. If the blood pressure decreases below normal range, urine production. तो क्या इफेक्ट होता है यूरिन प्रोडक्शन पे, इफ द ब्लड प्रेशर डिक्रीजेस बिलो नॉर्मल रेंज, इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, रिमेन्स द सेम, नन ऑफ द अबव, तो ये होता है डिक्रीज, ऑप्शन बी विल बी आर करेक्ट आंसर। यूरिन प्रोडक्शन डिक्रीज होता है इफ द ब्लड प्रेशर डिक्रीजेस बिलो नॉर्मल रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट इज द कॉमन नेम फॉर जायगोमैटिक बोन? द जॉ बोन, द चीक बोन, द फोरहेड, द स्कल. जायगोमैटिक बोन. तो ये जायगोमैटिक बोन होता है चीक बोन. ऑप्शन बी विल बी आवर करेक्ट आंसर. ये होता है फेशियल बोन. टोटल कितने फेशियल बोन्स प्रेजेंट होते हैं? तो फेशियल बोन्स होते हैं 14. इनमें से जायगोमैटिक बोन्स होते हैं 2 इन नंबर्स. देन अभी आप मुझे बताएंगे लार्जेस्ट बोन इन दी फेस कौन सा होता है? लार्जेस्ट बोन इन दी फेस, तो ये होता है मैंडिबल. ये मैंडिबल होता है जॉ बोन. ठीक है, लोअर जॉ बोन होता है मैंडिबल. स्कल में टोटल कितने बोन्स प्रेजेंट होते हैं? तो स्कल कंसिस्ट ऑफ 22 बोन्स. इनमें से क्रैनियल बोन्स होते हैं 8 एंड फेशियल बोन्स होते हैं 14. ये टोटल होते हैं 22 बोन्स ऑफ द स्कल. क्रैनियल बोन्स में आते हैं एक फ्रंटल बोन, देन दो होते हैं पैराइटल बोन्स, दो होते हैं टेम्पोरल बोन्स, देन एक होता है ओसिपिटल बोन, एक होता है स्पिनॉइड एंड एक होता है इथमोइड. फेशियल बोन्स में होते हैं दो जाइगोमैटिक और चीक बोन, दो मैक्सिला, दो नेजल, दो लैक्रिमल, देन दो पैलेटाइन होते हैं, देन दो होते हैं टर्बिनेटेड, एक होता है मैंडिबल एंड एक होता है वोमर. ठीक है, ये जो फोरहेड होता है वो होता है फ्रंटल बोन. फ्रंटल बोन इज ए बोन ऑफ फोरहेड. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. पैराइटल सेल सीक्रेट्स म्यूकस, पेप्सिनोजेन, गैस्ट्रिन, इंट्रिंसिक फैक्टर. क्या सीक्रेट करती है पैराइटल सेल्स? तो ये सीक्रेट करती है इंट्रिंसिक फैक्टर. ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर. ये पैराइटल सेल्स प्रेजेंट होती है स्टमक में एंड सीक्रेट HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड इंट्रिंसिक फैक्टर. पेप्सिनोजेन, तो पेप्सिनोजेन इज सीक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक चीफ सेल्स ऑफ द ह्यूमन स्टमक. स्टमक के गैस्ट्रिक चीफ सेल्स से सीक्रेट होता है पेप्सिनोजेन. गैस्ट्रिन इज सीक्रेटेड बाय जी सेल्स इन द स्टमक एंड म्यूकस इज सीक्रेटेड बाय सीक्रेटरी सेल्स. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. ग्रोथ हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय एंटेरियर पिट्यूटरी, थायरॉइड ग्लैंड, पैराथायरॉइड ग्लैंड, पोस्टेरियर पिट्यूटरी. कहाँ से सीक्रेट होता है ग्रोथ हार्मोन? तो ग्रोथ हार्मोन, LH, लुटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन, थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, ये सभी सीक्रेट होते हैं फ्रॉम एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. एंड ये जो ग्रोथ हार्मोन होता है उसकी हाइपर सीक्रेशन से चिल्ड्रन में होता है गिगेंटिज्म एंड एडल्ट्स में होता है एक्रोमेगैली. एंड इसके हाइपोसिक्रीशन में चाइल्ड में होता है डॉर्फिज्म एंड एडल्ट में होता है एक्रोमाइक्रिया. ठीक है, हाइपोसिक्रीशन से होता है एक्रोमाइक्रिया डॉर्फिज्म एंड हाइपरसिक्रीशन से होता है एक्रोमेगैली गिगेंटिज्म. थायरॉइड ग्लैंड क्या सीक्रेट करती है? T4, थायरोक्सिन, T3, ट्रायोडोथायरोनिन एंड कैल्सिटोसिन. पैराथायरॉइड ग्लैंड पैराथॉर्मोन सीक्रेट करती है पैराथायरॉइड ग्लैंड. कहाँ से सीक्रेट होता है ये पैराथायरॉइड हार्मोन? तो चीफ सेल्स प्रोड्यूसेस पैराथायरॉइड हार्मोन एंड कैल्शियम लेवल इन ब्लड इज मेंटेन्ड बाय पैराथायरॉइड ग्लैंड. ठीक है, पोस्टेरियर पिट्यूटरी सीक्रेट करती है ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन. ये वैसोप्रेसिन होता है एंटी डायुरेटिक हार्मोन एंड ये होते हैं नोनापेप्टाइड्स. देन ऑक्सीटोसिन इज ऑल्सो नोन एज बर्थ हार्मोन. ये इसेंशियल होता है फॉर इजेक्शन ऑफ मिल्क. देन इट कॉजेस ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर. ये यूटेरिन स्टिमुलेंट होता है, यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन कॉज कराता है एंड हेल्प्स इन लेबर. देन पॉलीपेप्टाइड कंटेनिंग 9 अमाइनो एसिड्स ऑक्सीटोसिन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. पटेला इज लॉन्ग बोन, सिस्मोइड बोन, ग्लैंड, शॉर्ट बोन. क्या होता है पटेला? तो ये होता है सिस्मोइड बोन. ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर. नी कैप होता है पटेला. ये होता है ट्रायंगुलर शेप्ड बोन प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ नी जॉइंट एंड नी जॉइंट होता है एग्जाम्पल ऑफ हिंज जॉइंट. देन लॉन्गेस्ट बोन इन द बॉडी फीमर. लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन द बॉडी होता है फीमर. थाई बोन होता है फीमर. ठीक है, देन ग्लैंड्स में होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एंड इंडोक्राइन ग्लैंड्स. एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती है डक्ट ग्लैंड्स एंड इंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है डक्टलेस ग्लैंड्स. ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज करती है एंजाइम्स एंड जूसेस एंड इंडोक्राइन ग्लैंड्स से रिलीज होते हैं हॉर्मोन्स. ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में कौन सी ग्लैंड्स आती है? तो लैक्रिमल ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स, लीवर, देन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, पैनक्रियाज. ये पैनक्रियाज आती है मिक्स ग्लैंड में. ये इंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती है. ऑर्गन्स विच वर्क एज ए ग्लैंड होती है लीवर एंड पैनक्रियाज. देन अभी आप मुझे बताएंगे लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी. तो ये होती है लीवर. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी लीवर.
ऑर्गन्स विच वर्क एज ए ग्लैंड लीवर एंड पैनक्रियाज. इंडोक्राइन ग्लैंड्स तो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी पीनियल ये प्रेजेंट होती है ब्रेन में फोरब्रेन में प्रेजेंट होती है. देन थायरॉयड थ्रोट में प्रेजेंट होती है थाइमस चेस्ट पैनक्रियाज एब्डोमेन. देन एड्रिनल ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है ऑन द किडनीज. एड्रिनल ग्लैंड्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज सुप्रारेनल ग्लैंड्स. देन ओरीज आर लोकेटेड ऑन यूटेरस एंड टेस्टिस लोकेटेड विद इन द स्क्रोटम. ये होती है इंडोक्राइन ग्लैंड्स डक्टलेस ग्लैंड. ठीक है. ओके फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू.